लाहौर का पोश एरिया जी, लाहौर का देख BMW, हाय हाय, ये है BMW रोड का भी अच्छा यहाँ पे सेटअप था देखिए। फॉर्च्यून हैवी बाइक्स, उन्होंने टेढ़ी बिल्डिंग बनाई है जोताना बनापुर काड़ी। मैं ब्रांड्स के अंदर जाके वीडियो नहीं बनाता इतनी ज़्यादा, तो अभी तो हम हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं, तो अब यहाँ से हमें पैदल वॉक करनी पड़े क्योंकि गाड़ी में बैठना उतरना। अभी हम आ गए हैं रॉयल टैग पर 15 कॉलर के साथ, ये वाली शर्ट खरीद ली है 3,250 रुपये प्लस टैक्स, 10,000 की पड़ गई हमें। आप यकीन करेंगे हमने ले ली हुई है ये शर्ट, इसकी रसीद भी है, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ। एंड फाइनली ना हमने शर्ट खरीद ली है, अब हम जा। फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? आज आप लोगों का भाई आया लाहौर में, तो लाहौर में घूम फिर रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना लाहौर का सिटी टूर दिया जाए। लाहौर के किस एरिया में इस टाइम हो? इस टाइम एमएम आलम में, यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल लोकल ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो मेरे जो साथी हैं ना वो गए हुए हैं अंदर अंदर, पता नहीं वीडियो बनाने की इजाज़त होगी क्या नहीं। एक शर्ट लेनी है हमें, उसके लिए हम पूरा जो है ना लाहौर घूम रहे हैं लाहौर का, तो आपको मैं दिखाऊंगा लाहौर और अपने कैमरे की नज़र में। तो चलते हैं जी सीधा इक्वेटर के अंदर। नज़र नहीं आई कोई चॉइस, शांति नहीं आई, तो सामने वॉक टावर है, इधर से भी कुछ नज़र नहीं आया, कुछ चॉइस हमें नहीं आई, तो हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये है वॉक टावर, तो यहाँ से हम जाएंगे आई थिंक सो नेट के हम जाएंगे रॉयल टैग। यहाँ से भी कुछ हम जा रहे हैं ब्लॉग को, जहाँ पे एंड तो नहीं करना जा रहा लेकिन ब्लॉग स्टार्ट लाहौर का, यहाँ पे कॉटेज और यहाँ पे साथ ही ऑटो, और ये लाहौर का पोश एरिया जिसको कह सकते हैं आप लोग एमएम आलम, बहुत ही मशहूर बहुत ही महंगा तरीन एरिया लाहौर का, तो इसको इसके ब्लॉग में मैं कर रहा हूँ शामिल। लाहौर का देखने जरा यहाँ पे, और ओसीएस कलर्स और नेक्स्ट जितने भी ब्रांड्स हैं यहाँ पे ऑल अवेलेबल स्टार्ट हो रहे हैं। सोनिका ज्वेलर जो है ना ब्राइटनेस, यहाँ से हम गए थे मनार और इक्वेटर पे, लेकिन यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आया हमें। ये बाइक्स वगैरह हम जैसे लोगों के लिए खड़ी हैं, तो ये कुछ ड्राइव आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ इसकी, एम एम आलम की। और यहाँ पे देखें नज़ारे थोड़े से, वो यूनिवर्स भी पीछे गुजर गया, मैकडोनल्ड्स और सिफा भी कुछ पीछे हट के बनाया हुआ। सिस मॉल अभी एम एम आलम पे बन रहा है, यहाँ पे थ्रेड्स एंड पता नहीं क्या लिखा हुआ यहाँ पे उल्टी इंग्लिश में BMW, हाय हाय, ये है BMW। और यहाँ पे दूसरी तरफ बचने लगे थे हम मुश्किल से, बाटा इंडिया और बाटा की जो शॉप है वो ये देखें जी, दिस इज़ लाहौर ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ लाहौर, लाहौर की ब्यूटी। और ये है इंडियोर का टूटा फूटा आउटलेट, लोगों के भी शूज़ अच्छे होते हैं वैसे, लोकोनी लंडन, जेडोर का भी अच्छा यहाँ पे सेटअप है देखिए, गोर्जन। यहाँ पे जी दो घोड़े इन्होंने खड़े किए हुए हैं, पता नहीं क्या है इस ब्रांड का नाम है, डेमास क्या है, तो मुझे इन ब्रांड्स के नाम भी नहीं सही पड़े जा रहे क्या क्या नाम होते हैं इनके। अरमानी जीन्स का भी यहाँ पे आउटलेट है, इंपोरियो अरमानी, ओरिजिनल ही होगा यहाँ पे, अगर इतना बड़ा यहाँ पे आउटलेट है तो ओरिजिनल ही यहाँ पे चीज़ मिलेगी आप लोगों को। एजुकेटिव टावर, ये देखिए एजुकेटिव टावर, ड्राइव यहाँ पे थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियाँ सर्दियाँ आ रही हैं, लेकिन अभी गर्मी अपना आप दिखा रही है। अभी बाइक साइकिल जो चलती है ना वो यहाँ पे चल रही है पाकिस्तान, बियॉन्ड फास्ट वालों ने टेढ़ी बिल्डिंग बनाई है आई थिंक, इनको मिस्त्री अच्छा नहीं नज़र आया होगा। जोताना बनापुर काड़ी सी टावर आउटफिटर, अभी हम जा रहे हैं जी आउटफिटर, तो आउटफिटर आई थिंक बंद है यहाँ पे, कुछ एक ही गाड़ी खड़ी है तो दूसरी में। आप लोगों का भाई आउटफिटर पीछे है, अब पता नहीं यहाँ पे भी वीडियोस का कोई इशू ना हो, लेकिन मैं ब्रांड्स के अंदर जाके वीडियो नहीं बनाता इतनी ज़्यादा, तो अभी अपना ही ब्लॉग बनाते हैं। तो जाते हैं अंदर, क्या सीन है, हमें शर्ट्स पसंद आती हैं कि नहीं? हमें इतना ही नहीं पता कि आउटफिटर पर ड्रेस शर्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती, तो हम आउटफिटर से बाहर आ चुके हैं, तो बाकी भी लोग जो है ना जा रहे हैं दूसरी तरफ, पैदल वॉक करना पड़ेगी क्योंकि आउटफिटर से हमें शर्ट नहीं मिली। तो अभी हम जाहिद भाई हैं, वो पता नहीं यहाँ के मास्टर माइंड है क्या चीज़ है, वो लेके जा रहे हैं हमें दूसरी तरफ, तो अब यहाँ से हमें पैदल वॉक करनी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी में बैठना उतरना, ऊपर से है भी गर्मी। तो लाहौर का जो ब्लॉग है ना वो आप लोगों का भाई शूट कर रहा है, तो जा रहे हैं हम दूसरी तरफ। मास्क इसलिए पहना हुआ है क्योंकि डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हालत मेरी थोड़ी सी उस तरह की है कि अभी मैंने खत वगैरह भी नहीं करवाया हुआ, आज सैटरडे है तो आज करवाएगा आप लोगों का भाई। तो अभी आप हमारी गाड़ी ये है, तो अभी जाहिद भाई आगे जा रहे हैं, तो अभी मैं भी जा रहा हूँ उनके पीछे।
चल वॉक करने के बाद तकरीबन 2 मिनट अभी हम आ गए हैं रॉयल टैग पे। तो रॉयल टैग के अंदर जाते हैं तो यहाँ से दुआ करें कि हमें कोई शर्ट पसंद आ जाए तो हम यहाँ से ले लें। यह है रॉयल टैग का आउटलेट जी। हमने काफ़ी जलालत के बाद 15.5 कॉलर के साथ ये वाली शर्ट खरीद ली है। तो प्राइस कितनी है इसकी? प्राइस कितनी है भाई? 3,250 रुपये प्लस टैक्स 10,000 की पड़ गई हमें जो हम लील हुए हैं। ये देखें रॉयल टैग हमारे पास शॉपर भी है। आप यकीन करें कि हमने ले ली हुई है ये शर्ट, तकरीबन खरीद ली हुई है हमारे पास। वो क्या कहते हैं इसके, वो भी है, इसकी रसीद भी है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, ये देखें शर्ट को लेकर जा रहे हैं रॉयल टैग की। तो निकलते हैं हम यहाँ से बाहर। एंड फाइनली ना हमने शर्ट खरीद ली है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा अपने ऑफिस की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन साथ में कुछ व्यूज़ होंगे आप लोगों से मैं करूँगा शेयर, बताता रहूँगा। आप वीडियो ख़त्म नहीं हुई, एंड भी नहीं हुई, तो व्लॉग यहाँ से एंड भी नहीं करने वाला। आप जा रहे हैं हम सीधा दूसरी तरफ। Thank you.